क्वेश्चन नंबर 6.5, एक रॉकेट है, लेकिन इस फिगर की जरूरत नहीं है, ये फिगर पार्ट डी के लिए है। एक रॉकेट है, ठीक है, केसिंग ऑफ अ रॉकेट इन फ्लाइट। जब ये रॉकेट का फ्लाइट होता है तो समय कह रहा है कि केसिंग ऑफ अ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन at whose expense is the heat energy required for burning obtained, the rocket or the atmosphere। कह रहा कि जब रॉकेट फ्लाइट करता है तो उसमें केसिंग जो होगा, केसिंग ऑफ रॉकेट जो बर्न होता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, है ना। तो सबसे पहली बात, रॉकेट जब फ्लाइट करेगा तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन फोर्स होगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स इतना नहीं होता है जिससे कि फ्रिक्शन के कारण आग लग जाए। फ्रिक्शन कारण आग लगने का मतलब वो डैमेज होना। तो यहाँ पर इंटरनल कंबसन होगा, उसके लिए जिम्मेदार रॉकेट होता है, ठीक है। तो पार्ट ए का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, रॉकेट नॉट एटमोस्फेयर। तो मैं कह सकता हूँ कि फॉर बर्निंग द केसिंग ऑफ रॉकेट इज ऑब्टेंड बाय रॉकेट। खुद सोचो, वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। इनिशियली तो वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होता है, धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ता है, बिकॉज मास इंक्रीज होता रहता है, मास डिक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा मोमेंटम कंजर्वेशन से, पढ़ा है आपने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो जैसे जैसे इजेक्ट होगा, मास सिस्टम का कम होगा तो वेलोसिटी गेन होगा। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन फ्रिक्शन उतना सफिशिएंट नहीं होता, फ्रिक्शन के कारण नहीं होता। ऊपर से फ्रिक्शन होगा तो पूरी बॉडी पे फ्रिक्शन लग रहा है ना, सरफेस पे लग रहा होगा फ्रिक्शन, अंदर में मटेरियल जो होगा कंबसन जो हो रहा है वो फ्रिक्शन के कारण थोड़े बर्न होगा। तो पार्ट ए के लिए एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया। चलिए पार्ट बी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट्स। हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कॉमेट ड्यू टू द सन इज नॉट नॉर्मल टू द कॉमेट्स वेलोसिटी इन जनरल। ये कह रहा है कि ये सन है हमारा, ठीक है, और आपने पढ़ा है केपलर्स लॉ। हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट में कॉमेट मूव कर रहा है सन के अराउंड, ठीक भाई। इसमें ये कह रहा है एक कॉमेट है, वेलोसिटी आपको पता है, मान लो इस तरीके से मूव कर रहा है, वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग रहा है। कह रहा कि ड्यू टू द सन इज नॉट नॉर्मल, फोर्स जो इस पे सन के कारण जो फोर्स लग रहा है कॉमेट पे वो नॉर्मल नहीं है, वेलोसिटी के साथ नॉर्मल नहीं है। कहीं पर कुछ वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होगा, बट अगर वही सर्कुलर होता तो सन सेंटर में होता, वेलोसिटी के साथ नॉर्मल होता। तो उसमें कहना आसान है कि हर मोमेंट पे एंगल 90 है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, तो हर मोमेंट में सेंट्रिपेटल फोर्स जो लगता है वो वर्क डन जीरो करता, बिकॉज थीटा 90 है, तो पूरे ट्रैक में जीरो होता। लेकिन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कि सन द कॉमेट ड्यू टू द सन फोर्स जो लग रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स कॉमेट पे सन के कारण, वो नॉर्मल नहीं है वेलोसिटी के जनरली। तो येट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर एवरी कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट इज जीरो। तो कह रहा कि पूरे कंप्लीट ट्रिप में जीरो होगा। एक्सप्लेन करें, पहला तो इसका वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, एज वी नो दैट कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन जो होती है ट्रिप में वो क्लोज ट्रिप में जीरो होती है। यानी ये ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, पाथ लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन। तो ये एक ट्रिप में क्या होगा, कहीं से भी आप लोगे ट्रिप, यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, कंप्लीट ट्रिप में क्या होगा, वर्क डन जीरो, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। लेकिन इसको दूसरे तरीके से अगर मन करे, मैंने जब क्लास में डिस्कस किया था, एक एंटीबायोटिक आपको बताया था कि किसी भी फोर्स के द्वारा वर्क डन अगर आपको निकालना हो कि एक ट्रिप में, तो आप क्या करो, हर एक मोमेंट में आप चेक करो
है ना, कि हर एक मोमेंट में आप चेक करो कि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच का जो एंगल है, यानी हर मोमेंट में फोर्स के कारण जो वर्कडन है ना, छोटे छोटे पाथ में लिख कर जोड़ दो और पूरे वर्कडन का जो समेशन होगा वह जीरो होगा। चेक करके आपको दिखाता हूँ। देखो, मतलब आपको अगर कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है, तो किसी फोर्स के द्वारा जो वर्कडन होता है ना पूरी ट्रिप में, वो आप क्या करो, हर एक छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में इसी फोर्स का वर्कडन निकालो और अलजेब्रिक सम कर दो, तो इस फोर्स के द्वारा टोटल वर्कडन निकल जाएगा। आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एंगल ऑब्ट्यूस हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हाफ पोर्शन में कहीं भी चेक करो तो एक्यूट एंगल है फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट के बीच, तो यानी हाफ पोर्शन में पॉजिटिव वर्क होगा और सिमिलरली जो रिमेनिंग हाफ पोर्शन है उसमें निगेटिव वर्क होगा। फोर्स देखो, इधर है ग्रेविटेशन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इधर है एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट, छोटे छोटे वर्कडन, तो यहाँ पर जो वर्कडन होगा ये निगेटिव होगा, है ना, तो हाफ पोर्शन में निगेटिव, हाफ पोर्शन में पॉजिटिव, यानी सभी छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में अगर इसी ग्रेविटेशन फोर्स का वर्कडन अगर मैं सम करूं तो टोटल वर्कडन जीरो आएगा। दूसरे स्टाइल से, थैंक यू। पार्ट सी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6.5 का ही मैं पार्ट सी और पार्ट डी देखता हूं। अब पार्ट सी देखता हूं पहले। पार्ट सी में हालांकि ये फिगर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पार्ट डी के लिए फिगर है। पार्ट सी, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन वेरी थिन एटमोसफेयर loses its energy gradually due to dissipation against atmospheric resistance. समझते पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सन है, ठीक है, और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, सॉरी अर्थ है ये, दिस इज अर्थ, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ, इन वेरी थिन एटमोस्फेरिक लूजेज इट्स एनर्जी ग्रेजुअली ड्यू टू डिसिपेशन अगेंस्ट एटमोस्फेरिक रेजिस्टेंस। समझते हैं, ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट ऑर्बिटल मोशन में है अर्थ के चारों तरफ, ठीक है, जब ये ऑर्बिटल मोशन करेगा ऑल द ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा वर्कडन यहाँ पर जीरो है, एक ही ऑर्बिट में अगर फिक्स में कर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इधर एंड फोर्स इधर, तो एवरी मोमेंट में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 है, हर मोमेंट में जीरो 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 हो रहा, ओवरऑल जीरो हो रहा अगर इसी ऑर्बिट में होगा तो। लेकिन याद करो, जो ग्रेविटेशन मैंने पढ़ाया था, तो एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ऑर्बिटल में टोटल ऑर्बिट की जो एनर्जी होती फिक्स होती है, माइनस में आती थी याद करो, लेकिन वहां पर हम फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर नहीं करते थे। लेकिन यहां पर अगर फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर करें, स्लाइटली थोड़ा बहुत फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, एयर के द्वारा फ्रिक्शन इधर होगा, जैसे इस मोमेंट में अगर इधर वेलोसिटी है तो फ्रिक्शन इधर होगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा निगेटिव वर्क डन होगा, वेलोसिटी इधर है यानी डिस्प्लेसमेंट इधर है, फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है तो 180 एंगल है, तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन तो निगेटिव होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज निगेटिव, बट इट इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, कम होगा फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन। अच्छा, अब सुनो अगला बात इसमें क्या बोला गया कि एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस यानी दैट इज फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स हाउएवर इज स्मॉल, चाहे वो स्मॉल है, व्हाई देन डज इट्स स्पीड इंक्रीजेज प्रोग्रेसिवली एट इस, एक बात समझो कि इसकी टोटल एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी फ्रिक्शन फोर्स के कारण एनर्जी वर्क डन निगेटिव हो रहा ना, तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होनी चाहिए। लेकिन ये क्या करता है कि ये धीरे धीरे टोटल एनर्जी कम हो रही है तो ओवरऑल वो नीचे की तरफ आने लगता है, इसके क्लोज आने लगता है। तो देखिए ये कह रहा है कि स्पीड इंक्रीजेज प्रोग्रेसिवली एज इट कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू अर्थ, ये कैसे, एक्चुअली ये धीरे 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 अगर एनर्जी लीक करने लगा तो धीरे 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 इसके पास आ जाएगा, एनर्जी कम होने लगेगा, तो ये स्पाइरल होते होते इस तरीके से ऐसे नजदीक आएगा। तब देख रहे हो कि रेडियस जो होगा सैटेलाइट का, और सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल ऑर्बिट की रेडियस है अर्थ के चारों ओर, रेडियस घट रही है। आपको पता है ना पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस जी एम एम टू बाय आर, आर जो है कम हो रहा है, आर कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में बढ़ने का मतलब कम होना, ऑल द पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो समझाता हूँ एक और, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्कडन क्या होगा, निगेटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्कडन क्या होगा, पॉजिटिव,
वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव. कैसे? देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा अगर ओनली वर्क डन देखना है तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह का इधर हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इधर है एंड डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है. रेडियस कम हो रही है तो डिक्रीज हो रही है. कहीं पर भी आप देख लो, यहाँ देख लो तो यहीं रेडियस डिक्रीज हो रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में रेडियस डिक्रीज हो रहा है, तो यानी एक तरह का वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है और वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा पॉजिटिव हो रहा है. ठीक बात है. और जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स है वो निगेटिव है, लेकिन वेरी स्मॉल है. ठीक है. तो फाइनली जो वर्क डन हो रहा पॉजिटिव होगा, ओवरऑल जो वर्क डन होगा वो नेट वर्क डन, दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दोनों का समेशन जो होगा ओवरऑल पॉजिटिव आएगा. और आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से जो टोटल वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है. तो टोटल वर्क डन पॉजिटिव होना इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यानी के एफ माइनस के आई क्या होगा, पॉजिटिव. ठीक है. यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से ज्यादा होगा, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा इनिशियल से, यानी धीरे धीरे स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा. डी पार्ट, पार्ट डी देखते हैं. एक्चुअली इसमें फिगर थोड़ा कंप्लीट कर देता हूं, फिगर इसमें छूट गया था. 15 kg का ही ब्लॉक है. कह रहा कि मैन जो है ना इसमें दो स्टाइल से ब्लॉक को ले जा रहा है. 15 kg का ही ब्लॉक है, बट एक अपने हाथ पर लेके जा रहा है ऐसे इस तरीके से 15 kg को, और दूसरा इसको 15 kg को रस्सी के एक एंड से बांध के दूसरी एंड को होल्ड करके इसको खींच रहा है. ठीक है. 2 meter अगर आगे लेके जाता है, मैन वर्क्स 2 meter कैरिंग अ मास 15 kg ऑन हिज हैंड. ठीक है. इसको भी 2 meter आगे लेके चलता है और इसको भी लेके चलता है. आपको पता है कि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, जैसे हैंड में इस तरीके से ब्लॉक को लेके ऐसे चल रहा है, तो यहाँ इसके बीच स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. और अगर स्लोली लेके चल रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलमोस्ट क्या होगा, जीरो. स्लोली चलेगा, स्लोली तो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक होगा. फ्रिक्शन फोर्स का एक रेंज होता है ना म्यू इंटू एन तक, जीरो से म्यू इंटू एन. जैसे जैसे एक्सेलरेट करेंगे तभी फ्रिक्शन फोर्स होगा. तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन इन केस वन में अगर मैं देखूं तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक, ये म्यू इंटू एन नहीं लूंगा क्योंकि वो मैक्सिमम होगा, वो तब होगा जब एक्सीलरेशन होगा उसमें. वो एक्सीलरेशन नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट मान रहा हूँ. तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 2 meter, और फ्रिक्शन फोर्स ऑलमोस्ट हम जीरो मान के चलेंगे स्लोली अगर चलेगा. तुम बोलोगे क्वेश्चन में तो नहीं बोला ऐसे स्लोली चल रहा है, बस ये बोला मैन वॉक्स 2 meter, तो एक्सीलरेशन भी तो नहीं दिया ना. तो स्टैटिक फ्रिक्शन अगर कुछ लेते भी हो तो भी वो बहुत कम होगा. ठीक है. तो ऑलमोस्ट हम फिलहाल कांस्टेंट वेलोसिटी मान रहे हैं, एकदम स्लोली लेके चल रहा है. तो जीरो जूल आ गया वर्क डन, ये 0 newton, तो 0 joule. केस टू में अगर हम देखते हैं, इस केस में टेंशन की वैल्यू क्या होगा, अगर स्लोली दोनों को स्लोली लेके चल रहा हूँ. ठीक है. तुम ये नहीं कह सकते हो कि सर इसको स्लोली ले लिया, इसको एक्सेलरेट कर रहा हूँ. नहीं, इसमें भी हम स्लोली ही ले रहे हैं, एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी लेके चल रहा हूँ, एक्सेलरेशन जीरो. इसको भी हमने कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके चला था, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जीरो होगा, बिकॉज इस पे ओनली नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, फ्रिक्शन आगे लगेगा. तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगा, जीरो, बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है. ग्राउंड से एबिटी बना रहा हूं मैं, इसकी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो. तो यानी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो. यानी फ्रिक्शन फोर्स ही एक था बेचारा जो इसको एक्सेलरेट करता, फ्रिक्शन फोर्स को जीरो होना पड़ा. ठीक है. दोनों को ही मैंने सेम कंडीशन में लेके चल रहा हूं कि इसको भी स्लोली खींच रहा है, तब कंपेरिजन कर रहा हूं कि किस केस में वर्क डन ज्यादा आता है. तो वर्क डन इस केस में टेंशन फोर्स के द्वारा होगा. ठीक है. तो टेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 2 meter, और टेंशन की वैल्यू यहाँ पर स्लोली होने के लिए क्या होगा, यहाँ 150 newton आए, तो टेंशन की वैल्यू क्या होगा, 150. हालांकि नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज जीरो, तो टेंशन वैल्यू 150 इंटू 2 meter, ये न्यूटन में होगा, न्यूटन मीटर लिख देता हूँ, यानी 300 joule. तो वर्क डन इन सेकेंड केस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ग्रेटर सेकेंड केस. ठीक है. तो ये आंसर हो गया हमारा.